कार्यकर्ता महिला संगठन मध्य प्रदेश अध्यक्ष नर्मदा ठाकरे के नेतृत्व में संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल को संपूर्ण भुगतान हेतु मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र में 5 सूत्रीय मांगों को शामिल किया गया। कार्यक्रम में प्रेम बाई बाबनी, अनिता विश्वकर्मा, संगीता चौधरी, प्रतिष्ठा गर्ग, आभा दुबे, सुरेखा रुकमणी पवार, वर्षा सेन, कनीजा दया बाई शामिल हुई। आशा उषा महिला संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हमारी समस्त जिले से दो दो पदाधिकारी यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि हमें काम का दबाव इतना अधिक होता है। हम कार्य तो कर देते हैं, हमें 63 प्रकार का कार्य लिया जाता है हमारे आशा कार्यकर्ताओं से, लेकिन हमें हर समय भुगतान के लिए 4-4 माह तक हमें परेशान किया जाता है। हम लोग भटकते रहते हैं, जब तक हम धरना प्रदर्शन या अपनी ज्ञापन नहीं करेंगे तब तक हमें मानदेय नहीं दिया जाता है। ये हमें हर समय, हाँ कभी कभी हम यहाँ एनएचएम कार्यालय आते हैं तो हम यहाँ से बताते हैं कि हम बजट दे देंगे, और बजट दे भी दिया जाता है तो कभी जिले और ब्लॉक वाले बोलते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है तो आप ऊपर बात करो। इसलिए हमें मजबूर हो के आज यहाँ आना पड़ा एनएचएम कार्यालय में हमारे उच्च अधिकारियों से बात करने के लिए कि राज्यों का जो 4,000 रुपये के जो है वो भी हमें नवम्बर माह से नहीं मिला है, और जो कुछ 7 एक्टिविटी का है वो भी बहुत कट-कट के मिलता है। हमें ये भी नहीं बताया जाता कि कौन से मद में कितनी राशि आई है और कितनी प्राप्त होना है, और यदि हम उसके लिए बात उठाते हैं तो आशाओं से सम्मानजनक व्यवहार भी नहीं किया जाता है। ब्लॉक जिले पे उनको बोला जाता है कि नहीं आपका डाल दिया है, आप नेतागिरी ना करो, इस तरह से आशाओं को व्यवहार किया जाता है। इसलिए हमें संगठन के माध्यम से समस्त पदाधिकारियों को लेके यहाँ एनएचएम कार्यालय में हमारे उच्च अधिकारियों से हम बात करने आए हैं आज। एक मार्च क्लोजिंग चल रहा है, नवंबर से अभी तक हमारा कई नवंबर का हुआ है कई नहीं हुआ, लेकिन दिसंबर जनवरी फरवरी और ऐसा है कि उसमें लिमिट भी लगा दी गई है, तो हमें भी इतनी टेंशन हुई कि अगर लिमिट लगी है तो 3 से 4 महीने का पैसा हमारे कार्यकर्ताओं के पास कैसा पहुंचेगा, और यदि मार्च के बाद यदि आवाज़ उठाई जाती तो हो सकता कि हम लोग ऐसे ही रह जाते, हमारा भुगतान होता या नहीं, क्योंकि हम पे दबाव इतना बनाया जाता है कि जितना हमारे पति ना बनाते होंगे उतना अधिकारियों का दबाव है हम लोगों पे। शासन के जो कुछ जो पदाधिकारी उनको बताया आपने शासन में, ये तो अलग अलग है प्रशासन। हमने इसके पहले भी हमने कई बार ज्ञापन किया है कि हमें जो हमारे मदों का जो पैसा आता है तो नहीं मिलता, ऐसा समय होता है कि हर 3 से 4 महीने में हमें रोड पे उतर कर प्रदर्शन करना ही होता है, तभी हमें हमारा मानदेय मिल पाता है, वो भी पूरा नहीं मिल पाता है। जो सरकार चल रही है महिलाओं प्रति बहुत ही संवेदनशील सरकार है, तो क्या विडंबना है कि महिलाएं परेशान हो रही हैं? हम तो सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हमारी जो टुकड़ों में राशि है इसके लिए हम परेशान हो रहे हैं, तो हम तो मोदी महोदय जी सरकार से भी करना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री महोदय जी से, कि हमारी आशा उषा कार्यकर्ताओं का ऐसे दर-दर ना भटकने के लिए छोड़े, हमें कम से कम एक निश्चित मानदेय दे दिया जाए। 18,000 रुपये राशि यदि हमारी आशा उषा कार्यकर्ताओं की कर देगी तो हमें भी एक सम्मानजनक वेतन मिलेगा, ऐसा भटकना नहीं पड़ेगा, बार बार आंदोलन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमसे कोई कर्मचारी उच्च कर्मचारी है तो उनका कभी भुगतान नहीं रोका जाता और हम लोगों का भुगतान क्यों रोका जाता है। आपने मंत्री से मिले? मंत्री जी से आप जी इसके पहले हमने मिल के अभी अभी मंत्री से मिले।